नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने हॉर्टिकल्चर में इम्पोर्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे थे, कुछ क्रॉप हमने पढ़ी थी। आज अपने एक इम्पोर्टेंट क्रॉप का अध्ययन करेंगे, वो है नींबू वर्गीय। देखो, नींबू वर्गीय में बहुत सारी फसलें आती है, जैसे माल्टा है, नींबू है, संतरा है, इसके अलावा किनू है, पोमिलो है, ठीक है। तो इन सब का अपन जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जो फसलें अपने सिलेबस में है उनका अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके इंस्टीट्यूट अपन देख लेते हैं। NRC जो बना हुआ है, यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सिट्रस, सिट्रस के ऊपर जो नेशनल सेंटर बना हुआ है वो है नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र। इसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसमें आपके एक बना हुआ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, या जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र। अगर नींबू वर्गीय की बात करें तो नींबू वर्गीय फसलों का उत्कृष्टता केंद्र है नांता, नांता है कोटा में, ठीक है। अगर अपन बात करें इसके संतरा की, संतरा उत्कृष्टता केंद्र, तो संतरा उत्कृष्टता केंद्र है झालावाड़, ठीक है। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है सिट्रस का, यानी कि नींबू वर्गीय सभी का पूछे तो आपका नांता कोटा में आ जाएगा, अगर पर्टिकुलर संतरा का पूछे तो फिर झालावाड़ आ जाएगा, ठीक है। दोनों का ध्यान रखना। तो ये तीन इंस्टीट्यूट आपको याद करना है। सबसे पहले तो NRC ऑन सिट्रस, यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर, वो नागपुर में है। इसके अलावा उत्कृष्टता केंद्र जो राजस्थान में है नींबू वर्गीय का, नांता कोटा में है, और जो संतरा का है, संतरा उत्कृष्टता केंद्र, वो है झालावाड़ में, ठीक है। अब देखो इसका क्लासिफिकेशन अपन करते हैं। बेसिक जो प्रश्न कई बार आपके क्लासिफिकेशन से ही आ जाता है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन इसका स्विंगल में टांग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था, ठीक है। वर्गीकरण स्विंगल व टांग, स्विंगल व टांग ने 1945 में इसका वर्गीकरण किया था, ठीक है। अब देखो जो भी अपने फसलें थी, जैसे नींबू है, इसके अलावा संतरा है और माल्टा है, किन्नू है, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले अगर अपन बात करें नींबू का, तो इसका वैज्ञानिक नाम है सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। और संतरा की बात करें, संतरा का वैज्ञानिक नाम है सिट्रस रेटिकुलाटा। इसके अलावा माल्टा की बात करें, माल्टा का वैज्ञानिक नाम है सिट्रस माल्टा का, देखो सिट्रस साइनेंसिस, ठीक है। इसके अलावा और भी जो आपके इसमें नींबू वर्गीय में आते हैं अपने सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो आप इनका एक बार वैज्ञानिक नाम अच्छी तरह से याद कर लेना। दूसरा इसमें जो कुल है सभी का, कुल है रूटेसी, ठीक है। अब देखो इसके अलावा नींबू वर्गीय जितनी भी फसलें हैं सभी का कुल रूटेसी हो जाएगा, और नींबू वर्गीय फसलों के अलावा एक और है बेल पत्र, उसका भी कुल रूटेसी है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में इसका जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान अलग अलग है। देखो जो नींबू है, नींबू का उत्पत्ति स्थान भारत है, और जो संतरा है उसका दक्षिणी चीन है, और जो माल्टा है उसका भी चीन है, ठीक है। तो नींबू का याद कर लेना, बाकी जितने भी नींबू वर्गीय फसलों में जो फल है उनका लगभग चीन है, ठीक है। और नींबू का इम्पोर्टेंट है, नींबू का पूछा जाता है, नींबू का भारत उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें 2:1 बराबर गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्रों की संख्या इसमें होती है 18, है ना। डिप्लोइड संख्या पूछे तो 18, अगर आधारित गुणसूत्र पूछे तो फिर गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 9, ठीक है। इसके बाद में खाने योग्य भाग की बात करें, खाने योग्य भाग इसमें होता है रसीले प्लेसेंटा रेसे, ठीक है। इसके बाद में फल प्रकार की बात करें, फल प्रकार इसका होता है एस्पेरिडियम
ठीक है, ये चीज सभी नींबू वर्गीय में फॉलो होती है ना, खाने योग्य भाग सभी में, रसीले प्लस एंटायर है, फल प्रकार सभी का एस्पेरिडियम है, उत्पत्ति स्थान अलग अलग है, जो नींबू का भारत है, संतरा का दक्षिण चीन है और माल्टा का चीन है, इसके अलावा कुल सभी का सेम है, रुटेशन और गुणसूत्रों की संख्या सभी में 8 होती है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो नींबू है वो एक परपरागित फसल है, परपरागित फसल है, ठीक है। इसके बाद में और बात करें तो नींबू है वो क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक फसल है, नॉन क्लाइमेट्रिक फसल है। नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब चुड़ाई के बाद में इसको नहीं पका सकते, पौधे के ऊपर इसको पकाना होता है, ठीक है। इसके अलावा उत्पादन की बात करें तो नींबू वर्गीय फलों में जो सर्वाधिक उत्पादन है वो चीन में होता है, ठीक है। नींबू वर्गीय फलों का सर्वाधिक उत्पादन विश्व की बात करें, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत की विश्व में नींबू वर्गीय फलों में 6 रैंक है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक देखो उत्पादन आपने बताया पहले कि केला का होता है, उसके बाद में आम का होता है और तीसरे नंबर पर नींबू वर्गीय आता है, तीसरे नंबर पर नींबू वर्गीय आता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें ना तो क्षेत्रफल सर्वाधिक मैंगो का है, दूसरे नंबर पर अगर नींबू वर्गीय सभी फसलों की बात करें तो दूसरे नंबर पर नींबू वर्गीय आ जाएगा, अगर अलग अलग बात करें तो फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में भारत में अगर अपन उत्पादन की बात करें जैसे नींबू है और इनका अपन कल्टिवेशन में थोड़ा सा आगे देख लेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर अपन बात करें और बेसिक जानकारी के बारे में तो इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है, विटामिन सी की मात्रा होती है और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी नींबू वर्गीय फल है उनमें बहुगुणता पाई जाती है, जितने भी नींबू वर्गीय होते हैं उनमें बहुगुणता पाई जाती है। देखो बहुगुणता आम में पाई जाती है, आम के अलावा नींबू में पाई जाती है, नींबू वर्गीय जितने भी है ना सभी में, और इसके अलावा आंवला में जामुन में पाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से बहुगुणता किस में पाई जाती है, ठीक है ना, आम हो गया, नींबू वर्गीय हो गया, जामुन हो गया, अगर सिनु ऑप्शन में आए तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा, अलग अलग आए तो अलग अलग कर देना, ठीक है। आम का आपने कल्टिवेशन में अच्छी तरह से पढ़ा था कि आम की जो दक्षिणी भारतीय प्रजातियां है वहां पर बहुगुणता ज्यादा पाई जाती है नॉर्थ इंडिया की अपेक्षा, नॉर्थ इंडिया में जो भी वेरायटियां होती है उनमें बहुगुणता नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो नींबू वर्गीय फलों से एक उत्पाद बनाया जाता है जिसको मार्मलेड बोला जाता है ना, मार्मलेड बनाने के लिए उपयुक्त, ठीक है। इसके बाद में अब देखो अपने अलग अलग कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इनमें जो कीट और बीमारियां हैं और कल्टीवेशन है वो लगभग सेम रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा वैरायटी अलग हो जाएगी और प्लांटिंग का जो मेथड है वो अलग हो जाएगा और लगभग सेम है। तो सबसे पहले अपने इसमें नींबू स्टार्ट करते हैं जिसको लाइम इंग्लिश में बोला जाता है, नींबू है ना, वैज्ञानिक नाम क्लासिफिकेशन वो सभी का आपने कर लिया पहले। फलों में नींबू वर्गीय फलों में अपने क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं, क्लासिफिकेशन इसमें क्या है, इसके बाद में उत्पादन देखो तीनों का साथ में कर लेते हैं। उत्पादन है तो देखो नींबू का उत्पादन है वो सर्वाधिक विश्व में भारत में होता है, ठीक है, या इस प्रकार से एक टेबल बना लेना, विश्व में भारत में होता है और भारत में इसमें महाराष्ट्र में होता है और राजस्थान में नींबू वर्गीय होता है भरतपुर में, ठीक है। अगर माल्टा की बात करें तो माल्टा विश्व में होता है ब्राजील में, भारत में होता है आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में होता है श्री गंगानगर में, ठीक है। अगर संतरा की बात करें, संतरा विश्व में होता है चीन में और भारत में होता है महाराष्ट्र में और राजस्थान में होता है झालावाड़ में, ठीक है। क्लासिफिकेशन याद कर लेना, इसका जो उत्पादन है वो नींबू का होता है भारत में सर्वाधिक विश्व में और भारत में सर्वाधिक इसका आंध्र प्रदेश के ना, महाराष्ट्र नहीं है ना,
भारत में आंध्र प्रदेश और राजस्थान में नींबू सर्वाधिक भरतपुर जिले में होता है, ठीक है। माल्टा विश्व में सर्वाधिक ब्राजील में होता है, भारत में सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में होता है और राजस्थान में सर्वाधिक श्रीगंगानगर में होता है। इसके बाद में संतरा की बात करें तो संतरा सर्वाधिक चीन में होता है और भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र में होता है और राजस्थान में सर्वाधिक झालावाड़ में होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन नींबू की बात करें तो नींबू की जो जलवायु है वो जलवायु देखो जलवायु की बात करें तो जलवायु इसमें चाहिए उष्ण से लेकर के उपोष्ण कह सकते हैं अपन, उपोष्ण या फिर उष्ण से शीतोष्ण जलवायु चाहिए ना, उष्ण से शीतोष्ण, ठीक है। सभी नींबू वर्गीय की बात कर रहे हैं अपन, उष्ण से लेकर के शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, ठीक है। और इसका औसत टेम्परेचर है, औसत तापमान रहता है 16 से लेकर के 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक अपन कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर इसकी किस्मों की बात करें, वैरायटी की बात करें तो वैरायटी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है चक्करधारा, जो सीडलेस वैरायटी है, पूछी गई वैरायटी है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना, सीडलेस या फिर इसको बोल सकते हैं अपन बीज रहित, ठीक है। इसके बाद में दूसरी वैरायटी है परमालिनी, ये जो परमालिनी वैरायटी है वो जो कैंकर रोग होता है सीट्रस में, आगे अपन बात करेंगे कीट व रोगों की, है ना, तो कैंकर रोग के प्रति सहिष्णु है, कैंकर रोग के प्रति सहिष्णु, ठीक है। इसके अलावा एक वैरायटी और है विक्रम, ये जो विक्रम और परमालिनी दोनों वेराइटियां है वो परभनी महाराष्ट्र से निकाली गई है, परभनी महाराष्ट्र से, ठीक है। इसके बाद में अगर और वेराइटियों की बात करें तो और है पीके एम वन, इसके अलावा कागजी नींबू, ये जो कागजी नींबू होता है इसमें ट्रिस्टेजा वायरस है वो सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है, ट्रिस्टेजा वायरस से ग्रसित या सर्वाधिक लगता है, ठीक है, ट्रिस्टेजा वायरस है वो कागजी नींबू में सर्वाधिक लगता है, या फिर अपन इसको कह सकते हैं कि जो एक प्रश्न आपके इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ट्रिस्टेजा वायरस का सूचक पौधा कौन सा है, तो सूचक पौधे का पूछे तो लाइम हो जाएगा, अगर वेराइटी पूछे तो कागजी नींबू, ठीक है। तो ट्रिस्टेजा वायरस से का सूचक पौधा या सूचक किस्म हो जाएगी कागजी नींबू, ठीक है। इसके बाद में अगर और अपन वेराइटियों की बात करें तो और इसमें हो जाएगी बारहमासी, बारहमासी, इसके अलावा इंदौर सीडलेस, इंदौर सीडलेस, कागजी कलम, ये कुछ इंपोर्टेंट वेराइटियां है जो नींबू में अपने को याद रखनी है, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट चक्करधारा है जो कई बार पूछी गई है नींबू की, सीडलेस वेराइटी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो परमालिनी और विक्रम है ये दोनों परभनी महाराष्ट्र से रिलीज की गई है, इसके अलावा एक कागजी नींबू है जो ट्रिस्टेजा वायरस का सूचक पौधा है, ट्रिस्टेजा वायरस इसमें सर्वाधिक होता है, ठीक है। एक किस्म हो रहा है इसकी जया देवी, है ना, जया देवी, ये जो किस्म है इसमें सुगंध सर्वाधिक होती है, सुगंध सर्वाधिक होती है और ये तमिलनाडु से रिलीज है, तमिलनाडु से निकाली गई है, ठीक है। इसके अलावा और अपने देखो आगे इसमें बात करें तो आगे प्रवर्धन इसमें आ जाएगा, प्रवर्धन की जो उपयुक्त विधि है वो बीज के द्वारा भी अपन कर सकते हैं और व्यावसायिक विधि में अपन एयर ग्राफ्टिंग है, एयर लेयरिंग है वो सर्वाधिक अपनाते हैं, ठीक है। तो प्रवर्धन इसमें होता है बीज व एयर लेयरिंग के द्वारा, बीज व एयर लेयरिंग जिसको गुट्टीदार बोलते हैं ना,
गुटीदार, ठीक है। अगर इसका पूछे कि नींबू की व्यवसायिक विधि कौन सी है, तो प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है गुटीदार व्यवसायिक विधि, ठीक है। अब देखो इसमें जो गड्ढे तैयार करने का समय है, वो गड्ढे तैयार करते हैं मई से जून में, ठीक है। और पौधरोपण का समय हो जाएगा, पौधरोपण इसमें गड्ढे तैयार होने के बाद में करते हैं जुलाई अगस्त में, है ना, जुलाई अगस्त, ठीक है। इसके बाद में पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 6x6 मीटर रखी जाती है, ठीक है। और आपकी जो बोर्ड वाली किताब है उसमें 5x6 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो दोनों ही ध्यान में रखना, 5x6 ऑप्शन के हिसाब से आप कर देना, ठीक है। इसके बाद में गड्ढे का आकार, गड्ढे का आकार इसमें रखते हैं 75x75x75 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो प्रूनिंग है, प्रूनिंग देखो प्रूनिंग क्यों करते हैं, सबसे पहले तो प्रूनिंग अपने इसलिए करते हैं कि भाई पौधे का उचित आकार मिल सके, ठीक है। उसके अलावा जो रोगग्रस्त टहनियां होती है उनको हटाने के लिए ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। तो प्रूनिंग करने की इसकी जो मेथड है वो है सेंट्रल लीडर सिस्टम, सेंटर लीडर सिस्टम, ठीक है। ये प्रूनिंग करने की विधि है, ठीक है। इसके बाद में देखो ज्यादा प्रूनिंग करने की जरूरत नहीं रहती नींबू में, इंपॉर्टेंट एक रहती है इसमें रूट प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। रूट प्रूनिंग देखो, रूट प्रूनिंग है वो सर्वाधिक तो अमरूद में अप्लाई जाती है, सर्वाधिक जो रूट प्रूनिंग अपन करते हैं वो अमरूद में करते हैं। और तो रूट प्रूनिंग है वो सर्वाधिक देखो अमरूद में अपनाई जाती है। रूट प्रूनिंग क्या होता है, देखो इस प्रकार से पौधा है, ठीक है ना। अब पौधे की जो जड़े होती है उस तना होता है उस तने के 1 मीटर दोनों साइड, है ना, चारों साइड 1 मीटर दूरी पर अपन क्या करेंगे 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी खाई खोदेंगे और उसको महीने भर के लिए या 15-20 दिन के लिए खुला छोड़ देंगे, ठीक है। खुला छोड़ने के बाद में इसमें अपन 15-20 दिन बाद में पोषक तत्व खाद उर्वरक वगैरह डाल देंगे, उसके बाद में इसको बंद कर देंगे। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, जो ये खाई खोद रहे हैं उस खाई में जो भी रूट आ रही है ना, जड़े आ रही है, उस जड़ों को काट देंगे, ठीक है। इसी को रूट प्रूनिंग बोला जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, रूट प्रूनिंग से आगे वाली जो फसल आएगी उस फसल में उत्पादन है वो अधिक होता है, ठीक है। तो रूट प्रूनिंग इसमें अपन करते हैं दिसंबर से जनवरी में, दिसंबर से जनवरी में इसमें रूट प्रूनिंग करते हैं। आगे जब फ्लोरिंग होते हैं, यानी कि इसमें रूट प्रूनिंग का टाइम निकलना दिसंबर से जनवरी, और इसमें फ्लोरिंग या पुष्पन का टाइम लिख लेना पुष्पन मार्च अप्रैल, ठीक है। तो ये पुष्पन का टाइम हो गया। अब रूट प्रूनिंग से क्या होगा, पुष्पन है वो अच्छा होगा, फलन अच्छी आएगी, ठीक है। तो इसलिए अपन रूट प्रूनिंग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें डिजीज वगैरह है, तो डिजीज का एक अलग से अपन वीडियो अपलोड कर देंगे। और उपज इसकी देखो, उपज जिसकी होती है 1000 से 1200 फल है वो प्रति पौधा लगता है, ठीक है। इसके अलावा अगर केजी में बात करें तो 50 से 75 केजी प्रति वृक्ष उत्पादन होता है, ठीक है, प्रति वृक्ष। इसके अलावा अगर स्टोरेज की बात करें तो इसका स्टोरेज है वो 6 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता। अगर 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता रखेंगे और 6 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखेंगे तो इसको अपन लगभग 4 से 6 सप्ताह तक भंडारित कर सकते हैं, यानी कि भंडारण की जो लाइफ है वो 4 से 6 सप्ताह तक होती है, ठीक है। तो नींबू वर्ग में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट ध्यान देने योग्य है, एक तो इसका क्लासिफिकेशन है और दूसरा इसका पर्सन वेराइटी से आता है, वेराइटी आप अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन सिट्रस और
माल्टा के जो संतरा और माल्टा है उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।